आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़। इन एस इमरजेंसी हॉस्पिटल बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल जो बाईपास के ईस्ट सरिस्टाबाद नियर आकर्षक बजाज शोरूम न्यू बाईपास पटना में स्थित है, जिनके डायरेक्टर डॉक्टर प्रभात कुमार हैं। एनएस इमरजेंसी हॉस्पिटल में जो बाईपास में स्थित है, यहां पर हर तरह की इलाज की सुविधा है और कम खर्च में यहां इलाज की व्यवस्था है। गरीबों के लिए खास व्यवस्था है और हर तरह के यहाँ लोगों का इमरजेंसी इलाज किया जाता है। यहाँ इलाज बिल्कुल सस्ता है और बहुत ही अच्छे से मरीजों का हर तरह का देखभाल किया जाता है। एक बार अवश्य जरूर आएं। आज डॉक्टर प्रभात कुमार से खास बातचीत हुई, जानते हैं डॉक्टर प्रभात कुमार ने क्या कहा। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार, एनएस इमरजेंसी हॉस्पिटल का डायरेक्टर, जो कि सरिस्ताबाद बाजार शोरूम के पास में है। लगभग ये मेरा हॉस्पिटल 6-7 साल पुराना हो चुका है। यहाँ पे गरीबों का इलाज, जिस तरह का पेशेंट हो हम लोग सोचते हैं, बढ़िया से बढ़िया उसका जो है इलाज करके अपने यहाँ से उसको अच्छे ढंग से जो है एकदम कम रेट में किसी तरह का पेशेंट हो उसको अच्छे ढंग से सुदर्शी ढंग से इलाज करके उसको अपने घर भेजने से दे। अपने यहाँ इमरजेंसी में NICU ये सारी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ जनरल वार्ड भी है, ICU का भी वार्ड है, VIP वार्ड भी है। जिस तरह के पेशेंट आते हैं यहाँ ऑपरेशन की भी सारी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ सभी तरह के ऑपरेशन होती है। यहाँ पे सभी विशेषज्ञ आते हैं और उनको जिस तरह का जो बीमारी हो उस विशेषज्ञ को बुलाकर मरीज का उचित इलाज करवाया जाता है। कितने डॉक्टर की टीम आपके साथ काम कर रही है? यहाँ पे लगभग 15 से 20 अच्छे अच्छे डॉक्टर का टीम है। शिशु रोग विशेषज्ञ है, नेफ्रो के हैं, न्यूरो के हैं, उसके बाद जनरल फिजिशियन है, जनरल सर्जन है, ऑर्थो में है, यानी जितने भी फैकल्टी हैं लगभग उसके सारे अच्छे टीम अपने साथ हॉस्पिटल में जुड़े हुए हैं, जो कि कभी भी उस तरह के पेशेंट की जरूरत महसूस होती है तो वो आके अपना उचित इलाज और सहयोग देते हैं। कोरोना काल में बहुत ऐसे पेशेंट थे जो कोरोना से ग्रसित नहीं थे, परंतु उन्हें इन्फेक्शन हो चुका था, जबकि वो उसे आप ARDS बोलिए, निमोनिया बोलिए, जो आदमी डर गया था बुखार आने के कारण, क्या है हमें कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है। लैक ऑफ ऑक्सीजन भी हो जा रहा थी पेशेंट को, हाइपोक्सिया भी हो गया था पेशेंट को, ऑक्सीजन की कमी भी हो गई थी। तो हम लोग जो है उस तरह के पेशेंट को जो है यहाँ पे सुविधा दिए हैं। उस समय थोड़ा ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण उस तरह के मरीज को हम लोग नहीं रख पाते थे जिसे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, उतना ही मरीज को रखते थे जिसे हम उसको ऑक्सीजन सही सुविधा से उपलब्ध करा सकें। पूरा शरीर लहर जलन था। अब कैसा? अभी तो सुधार में है। यहाँ का कैसा व्यवस्था? व्यवस्था तो ठीक है। अब ठीक हो रहे हैं? ठीक हो जी। मोहनलाल, क्या दिक्कत हुआ आपको? वही ब्लड का प्रॉब्लम है, अब थोड़ा सा सीमा में दर्द वर्द होता है अपनी है। कौन हॉस्पिटल है? NS। कैसा व्यवस्था यहाँ का इंतजाम? अच्छा है, डॉक्टर सब आते हैं देखने के लिए। हाँ। के टाइम कॉल की जरूरत पड़ता है तो आ जाते हैं तुरंत, मतलब जिस टाइम कॉल किया आ जाते हैं फौरन। है हाँ हाँ, चलो बढ़िया। कहाँ का है? हम तो रामदास छत का। काहे के लिए आते हैं यहाँ? आए हैं, हो गया था वो दिखाने के लिए। कैसा है अब? ठीक है। पहले कहाँ दिखाया था? पहले दूसरा हॉस्पिटल में दिखाया था, नहीं फायदा हुआ। नहीं फायदा हुआ, यहाँ यहाँ आया तो हमारा थक ठक बढ़िया से हो गया। यहाँ खर्चा ज्यादा लगता है यहाँ की दूसरा जगह? नहीं, यहाँ तो खर्चा कम लगा, डॉक्टर साहब का व्यवहार कम खर्चा में इलाज। हाँ, कम खर्चा में इलाज हो गया। हाँ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? पेशेंट का आप कौन हुई? पेशेंट का हम स्टाफ। क्या हुआ दिक्कत आपके मालिक को? दिक्कत हुआ कि जिम स्टोन पत्थर था, इलाज
कम खर्चा लगता है, डॉक्टर साहब आते हैं देखने उठने? क्या दिन हुआ यहाँ पर एडमिट हुए? 8 दिन। ठीक ठाक है पेशेंट? ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, स्टाफ ठीक ठाक है।